I am going to discuss about rotating a knot XCT. The point to be discussed in this lecture the number one is history, number two components, number third working, number four advantages and disadvantages, the last one is application. So इस लेक्चर में हम लोग इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ रोटेटिंग ए नॉट XCTO. इन 1933 द रोटेटिंग ए नॉट XCTO वॉज इन्वेंटेड. 1933 में रोटेटिंग एनोड एक्सट्री ट्यूब को इन्वेंट किया गया था एंड दिस ट्यूब बिकम अ स्टैंडर्ड ट्यूब डिजाइन फॉर डायग्नोस्टिकल पर्पस. और ये ट्यूब स्टैंडर्ड ट्यूब डिजाइन बन गया डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए. एट लास्ट 1950 दिस ट्यूब वॉज अपग्रेडेड. एट लास्ट 1950 ये ट्यूब क्या किया गया था, अपग्रेडेड हुआ था. नाउ कम टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटेटिंग एनोड एक्सट्री ट्यूब. Before starting the components of rotating anode X-ray tube, let me tell you the definition of X-ray tube. So, what is X-ray tube? X-ray tube kya hai? And what is the definition of X-ray tube? So, it is an evacuated glass envelope in which cathode and anode are placed to generate X-rays. तो ये क्या है, इवैक्यूएटेड ग्लास एनवलप है जिसमें कैथोड और एनोड क्या होते हैं, प्लेस्ड होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एक्सरे जनरेट करते हैं. तो ये हमारा क्या है, इवैक्यूएटेड ग्लास एनवलप है और इसके अंदर कैथोड एंड एनोड क्या है, प्लेस्ड है, जो कि क्या कर रहे हैं, एक्सरे को जनरेट कर रहे हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवैक्यूएटेड. इवैक्यूएटेड मतलब क्या होता है, evacuated means to create vacuum inside glass envelope or to avoid oxidation of tungsten filament. Evacuated means होता है कि ये क्या कहता है, to create the vacuum inside the glass envelope and to avoid the oxidation of tungsten filament. To create the vacuum inside the glass envelope. Why we need to create the vacuum inside the glass envelope? हमें vacuum को glass envelope के अंदर create करने की क्या जरूरत है? To avoid the collision between the electrons and the gas molecules. Gas molecules और electrons के between में collision ना हो, इसलिए क्या करते हैं, vacuum को create करते हैं. For example, I will make the rough diagram of glass envelope. This is cathode and this is anode. This is the rough diagram of
रोटेटिंग एनोड एक्सिट यू इफ देर इज अ गैस मॉलिक्यूल्स. अगर यहाँ पर क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन कैथोड से आ रहे हैं वो बिफोर हिटिंग द टारगेट, टारगेट को हिट करने से पहले वो क्या करेंगे, गैस मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे. जब वो गैस मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन करेंगे तो क्या करेगा, विच गिव्स रेज द आयोनाइजेशन दैट रिड्यूस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. वो क्या करेगा, आयोनाइजेशन को रेज करेगा जो कि क्या करेगा, रिड्यूस करेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. तो जब ये कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन जब हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट मीन्स कि आयन पेयर बन रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, एवलेंचेस हो रहा है. उस एवलेंचेस को प्रिवेंट करने के लिए या फिर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम वैक्यूम क्रिएटेड करते हैं. अगर हम वैक्यूम क्रिएट नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोलिजन होगा और उस कोलिजन की वजह से क्या होगा, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एक्सरे फोटोन पे क्या होगा, अफेक्ट पड़ेगा. इसलिए वी नीड टू क्रिएट द वैक्यूम इनसाइड द ग्लास एनवलप. एंड द सेकंड पॉइंट इज टू अवॉइड द ऑक्सीडेशन ऑफ टंगस्टन फिलामेंट. व्हाई वी नीड टू अवॉइड द टंगस्टन फिलामेंट ऑक्सीडेशन, हमें क्या जरूरत है ऑक्सीडेशन को अवॉइड करने की, टंगस्टन फिलामेंट की. अगर टंगस्टन फिलामेंट क्या होगा, ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आएगा तो उससे क्या होगा, टंगस्टन फिलामेंट पे जंग लग जाएगा, जिसकी वजह से इसकी लाइफ क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इवैक्यूएटिंग. नाउ कम टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब. तो कंपोनेंट्स ऑफ द रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब लाइक ग्लास एनवलप, कैथोड असेंबली, एनोड असेंबली, फोकल स्पॉट, बेरिलियम विंडो, हाउसिंग, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पावर सप्लाई सर्किट. So let's start with the glass envelope of the rotating anode X-ray tube. Glass envelope, or it is also called the tube insert, it is made up of pyrex glass or borosilicate. जो ग्लास एनवलप होता है वो पायरिक्स ग्लास और बोरोसिलिकेट का बना हुआ होता है. एंड जो पायरिक्स ग्लास होता है उसका क्या रीजन है, जो ये पायरिक्स ग्लास का ग्लास एनवलप बना हुआ है, उसका रीजन ये है कि ये क्या कर सकता है, इट कैन बी विदस्टैंड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर विदाउट ब्रेकिंग डाउन इट. जो ये ग्लास एनवलप है इसको ये बिना ब्रेक डाउन किए क्या कर सकता है, वेरी हाई टेम्परेचर पे विदस्टैंड कर सकता है. अगर ये क्या बना हुआ है, पायरेक्स ग्लास का बना हुआ है और बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ है. मोस्ट ऑफ दी ग्लास एनवलप जो होते हैं वो पायरेक्स ग्लास और बोरोसिलिकेट के बने हुए होते हैं. बट इन द मॉडर्न एक्सरे ट्यूब जो ग्लास एनवलप है वो किस चीज का बना हुआ आ रहा है, वो मेटासेरेमिक और मेटल ग्लास का बना हुआ होता है. एंड इसका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये क्या कर सकता है, ये अवॉइड करता है ऑक्सीडेशन को टंगस्टन फिलामेंट के, और ये क्या करता है, क्रिएट करता है वैक्यूम को इनसाइड द ग्लास एनवलप, और ये एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह से. ये क्या कहता है, स्पार्कलिंग अक्रॉस द ग्लास एनवलप उसको क्या कहता है, प्रिवेंट करता है.
Now come to the another component of the rotating anode oxide tube, which is cathode assembly. Now come to the cathode assembly. It is also called the negative terminal of the X-ray tube. ये X-ray tube है और ये क्या होता है, negative side होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, cathode assembly बोलते हैं. It is also called the negative terminal of the X-ray tube. It has two parts. इसमें इसके दो parts होते हैं. Number one is filament और number two is focusing cup. Filament and focusing cup. So cathode assembly, it is also called the negative side of the X-ray tube. ये negative side होती है X-ray tube की और इसमें दो parts होते हैं. It has two parts. The first is filament and the second is focusing cup. So let's start with the first part of the cathode assembly, which is filament. So filament, it is also called the source of electron. तो हम क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. एंड इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन. ये टंगस्टन का बना हुआ होता है और किस फॉर्म में होता है, वायर की फॉर्म में होता है. तो जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये किस चीज का बना हुआ होता है, टंगस्टन का बना हुआ होता है और किस फॉर्म में होता है, वायर की फॉर्म में होता है. इट इज एंड इट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन इन द फॉर्म ऑफ वायर. तो इसकी जो लेंथ होती है वो 1 सेंटीमीटर की होती है. लेंथ फिलामेंट की 1 सेंटीमीटर की होती है और इसका जो डायामीटर होता है वो 0.2 mm होता है, मिलीमीटर इन डायामीटर. और लेंथ जो है इसकी 1 सेंटीमीटर इन लेंथ. तो जो ये फिलामेंट होता है इसका डायामीटर जो होता है 0.2 mm का होता है, 0.2 mm मिलीमीटर, और जो इसकी लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है. इसमें थोरियम को ऐड करते हैं. थोरियम को हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि ये क्या करता है, इसकी एफिशिएंसी, फिलामेंट की एफिशिएंसी और इसकी लाइफ को क्या करता है, प्रोलोंग करता है. तो थोरियम हम क्यों ऐड करते हैं, हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि ये फिलामेंट की एफिशिएंसी और फिलामेंट की लाइफ को क्या करता है, प्रोलोंग करता है. इसकी लाइफ को इंक्रीज करता है और इसकी एफिशिएंसी को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है. इसीलिए हम क्या कहते हैं, थोरियम को क्या कहते हैं, ऐड करते हैं. तो ये क्या होता है, जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन प्लस थोरियम का बना हुआ होता है. थोरियम हम क्यों ऐड करते हैं, ये हमने रीजन बता दिया. एंड टंगस्टन का हम क्यों यूज करते हैं, हम इसको क्यों ऐड करते हैं, व्हाट इज द रीजन कि व्हाई वी आर यूजिंग टंगस्टन एज अ फिलामेंट, बिकॉज इट हैज अ हाई एटॉमिक नंबर. टंगस्टन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हाई होता है, विच इज 74, जो कि क्या होता है, 74 होता है. हाई एटॉमिक नंबर क्या करता है, टू इंक्रीज द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इंक्रीज करता है. एंड द सेकंड रीजन, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, विच इज 3387 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि क्या कर सकता है, विदस्टैंड कर सकता है वेरी हाई टेम्परेचर पे. थर्ड रीजन होता है, इसका जो कंडक्टिविटी होती है वो हाई होती है, बट ये क्या होता है, मिक्सर में होता है. अगर हम ओनली टंगस्टन की कंडक्टिविटी देखें, थर्मल कंडक्टिविटी, टंगस्टन की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो लो होती है, वो होती है 174 वोल्ट मीटर पर केल्विन होती है. 174 वोल्ट पर मीटर केल्विन होती है. हम क्या कहते हैं, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए क्या कहते हैं, टंगस्टन क्या कह देते हैं, एम्बेडेड कर देते हैं कॉपर ब्लॉक में. कॉपर ब्लॉक की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो होती है 400 वोल्ट मीटर
पर केल्विन होती है, इसी वजह से ये क्या कर सकता है, हीट को बहुत ही क्विकली क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। एंड द अनदर जो रीज़न है वो ये है, इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो लो होता है, उसके बाद इसकी जो डक्टिलिटी होती है वो क्या होती है, गुड होती है, गुड डक्टिलिटी होती है। डक्टिलिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है इसकी, वो बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकता है, इजिली ड्रॉन कर सकता है फाइन वायर में। और इसका जो वर्क फंक्शन होता है वो 4.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकता है, बहुत ही कम एनर्जी पे क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, इजेक्टेड कर सकता है। तो दीज आर द रीजन वाई वी आर यूजिंग टंगस्टन एज अ फिलामेंट। हमारा वो टंगस्टन फिलामेंट जो होता है, इसको हम थोरिएटेड टंगस्टन फिलामेंट कहते हैं, क्योंकि ये मिक्सर से बना हुआ होता है, थोरियम प्लस टंगस्टन से। थोरियम इसमें 1-2% होता है और टंगस्टन इसमें 98-99% होता है। और ये क्या होता है, किचन टोस्टर की तरह से होता है, जैसे कि किचन टोस्टर होता है उसी तरीके से ये होता है, बट इट इज मच स्मॉलर देन द किचन टोस्टर। जब हम क्या करते हैं फिलामेंट को, जब हम क्या करते हैं करंट सप्लाई करते हैं, तो ये क्या करता है, हीटेड हो जाता है, और हीटेड होने के बाद ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एमिट करना स्टार्ट करता है। जो टंगस्टन होता है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करता है, थर्मियोनिक एमिशन को शो करता है। कैसे शो करता है, ये हमारा क्या है, फिलामेंट है। जब हम इसको क्या करते हैं, करंट सप्लाई करते हैं, जब हम इसको क्या करेंगे, करंट सप्लाई करेंगे, तो ये क्या करेगा, एक सर्टेन टेम्परेचर पे आकर ये क्या करेगा, एक सर्टेन टेम्परेचर पे आकर हीटेड होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं। जिस सर्टेन टेम्परेचर पे आके ये हीटेड होता है, वो होता है अबाउट 2100 डिग्री सेल्सियस टू 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। इस सर्टेन टेम्परेचर पे आके ये क्या करता है, हीटेड हो जाता है और इलेक्ट्रॉन एमिट करना स्टार्ट कर देता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं, थर्मियोनिक एमिशन। थर्म मतलब थर्मल, आयोनिक मतलब आयंस, एमिशन मतलब आयन का एमिटेड होना। तो जब क्या कर रहे हैं, करंट सप्लाई कर रहे हैं, तो जो फिलामेंट का आउटर सेल है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जा रहा है, बॉइल्ड ऑफ हो जा रहा है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, थर्मियोनिक एमिशन। जो फिलामेंट होता है वो हमारा 2 types का होता है। फर्स्ट होता है स्मॉल फोकस फिलामेंट एंड सेकंड होता है लार्ज फोकस फिलामेंट। 2 type का फिलामेंट होता है, स्मॉल फोकस और लार्ज फोकस फिलामेंट। ये जो है ये लार्ज फोकस फिलामेंट है और ये स्मॉल फोकस फिलामेंट है। स्मॉल फोकस फिलामेंट का जो यूज करते हैं टू टेक अ स्मॉल बॉडी पार्ट्स लाइक एंकल रिस्ट, उनको लेने के लिए हम करते हैं। एंड जो लार्ज फोकल फिलामेंट होता है इज यूज टू टेक अ लार्ज बॉडी पार्ट्स लाइक चेस्ट एब्डोमेन। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द कैथोड असेंबली विच इज फोकसिंग कप। फोकसिंग कप इज मेड अप ऑफ निकल, ये निकल का बना हुआ होता है, एंड ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स द इलेक्ट्रॉन विड्थ एंड एक्सेलरेट डायरेक्टली टुवर्ड्स द एनोड। ये क्या करता है, ये हमारा क्या है, फोकसिंग कप है। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की विड्थ को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है और डायरेक्टली एक्सेलरेट कर रहा है टुवर्ड्स द एनोड और टारगेट, उस एरिया पे डायरेक्टली बेचारा। अगर फोकसिंग कप नहीं होगा, इफ देयर इज नो फोकसिंग कप, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अंडर डिजायर डायरेक्शन में स्प्रेड ऑफ हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्वालिटी एंड क्वांटिटी पर एक्सरे बीम की क्या होगा, अफेक्ट पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, फोकसिंग कप का यूज करते हैं, और फोकसिंग कप को हम टू वे में एनर्जाइज करते हैं इसको। एक होता है बायस्ड में और दूसरा वे होता है अनबायस्ड। 2 ways में हम इसको एनर्जाइज करते हैं, बायस्ड और अनबायस्ड। ये फिलामेंट है और ये फोकसिंग कप है। तो हम
फोकसिंग कप को टू वे में एनर्जाइज करें, एक बायस और एक अनबायस्ड। अगर हम इसको क्या कहते हैं, बायस्ड वे में क्या करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, तो क्या होगा, जो हमारा फिलामेंट है उससे ज़्यादा फोकसिंग कप को क्या करेंगे, हम पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड हो रहे होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइटर हो जाएगी और इनका जो स्प्रेड ऑफ होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए ये क्या होता है, बायस होता है। अनबायस में क्या करते हैं, दोनों को सेम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की जो स्प्रेड होता है वो वाइडर हो जाता है एज कंपेयर टू बायस्ड। रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।